साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक ओदिला श्रीनिवास जो कि पुराना माओइस्ट सिंपथाइजर भी रहा है उसको अरेस्ट किया गया और उसके पास से एक ये कंट्री मेड पिस्टल और इसके साथ 5 rounds इसकी बरामदी हुई। ये इलीगल पोजेशन में था इस वेपन का। ओदिला श्रीनिवास सन ऑफ लक्ष्मैया एज 42 years जो कि ऑटो ड्राइवर का काम करता है और अभी संतोष नगर में इसका घर है। ओरिजिनल वीना वांका मंडल करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। ये पहले माओइस्ट सिंपथाइजर था और 2001 में हैदराबाद करीमनगर से आया लाइवलीहुड के लिए। शुरू में ये टेलरिंग वर्क का काम किया हैदराबाद में और उसके पैसे से ऑटो रिक्शा भी लेकर चलाया। बाद में 2012 में ये एक घर खरीदा और जिसको कि मॉर्गेज करके 10 लाख रुपए में एक अशोक के साथ मॉर्गेजिंग किया। इंटरेस्ट पेमेंट के नाम पर इसका अशोक से रिलेशन खराब हो गया और रिलेशन इतना खराब हो गया कि ये अशोक को मारने तक का प्लान बनाया। उसी इंटेंशन से ये ओदिला श्रीनिवास ये उत्तर प्रदेश जाकर वहां से ये कंट्री मेड पिस्टल और 5 rounds एम्यूनिशन खरीद करके हैदराबाद लाया। तो आज हैदराबाद टास्क फोर्स के कांस्टेबल ऑफिसर एम प्रवीण कुमार उनका बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नेटवर्क रहा। उनके इंफॉर्मेशन से ईस्ट जोन टीम ये लोग इसको एप्रिहेंड किए और उसके बाद उससे एप्रिहेंशन के समय ये पिस्टल और एम्यूनिशन रिकवर हुआ। ये अरेस्टेड आदमी और वेपन कंचनबाग पुलिस स्टेशन SHO को हैंडओवर किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में DCP साउथ जोन चैतन्य कुमार के लीडरशिप में के श्रीनिवास इंस्पेक्टर ईस्ट जोन टास्क फोर्स SIP रमेश जी श्रीनिवास रेड्डी गोविंद स्वामी सी वेंकटेश ये लोग मिलकर इतना अच्छा काम किए। सिटी पुलिस के तरफ से और पूरे शहर के तरफ से टास्क फोर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास करके ऐसे मौके पे पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि इस तरीके का अगर कोई केस आपके नोटिस में आए जिसमें कि आपको लगे किसी के पास इलीगल वेपन है या कुछ राउडी का काम कर रहा है तो फौरन DCP साउथ जोन को बताएं, मुझे बताएं या डायल 100 पर कॉल करें। पूरा हैदराबाद सिटी आपके सिटी पुलिस आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है और इस तरीके के बैड हैड्स को हम लोग तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजाएंगे। थैंक यू।